भोजपुर दर्शन में आपका पुनः स्वागत है। जन अधिकार पार्टी भोजपुर जिला इकाई द्वारा चंदवा स्थित निजी होटल पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत बनाने के उद्देश्य से एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में जन अधिकार पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। जन अधिकार पार्टी की भोजपुर जिला इकाई द्वारा पार्टी के संगठनात्मक ढांचा को मजबूत करने के उद्देश्य से एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक सब बिहार प्रदेश संगठन प्रभारी भाई दिनेश उपस्थित थे। इस मौके पर प्रधान महासचिव कमलेश तिवारी ने कहा कि किसी भी पार्टी को आगे बढ़ाने में मजबूत संगठन का हाथ होता है। हमें हर हाल में मजबूत संगठन बनाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। इस अवसर पर काफी संख्या में जाप के कार्यकर्ता उपस्थित थे। वहीं पूर्व विधायक भाई दिनेश ने 14 नवनियुक्त प्रखंड अध्यक्षों को माला पहनाकर प्रखंड का नोटिफिकेशन जारी किए। गांव से निकाल करके और सरकार के सामने रखने का काम हम लोग करेंगे। तो जिला अध्यक्ष जी बड़े ही सुचारू रूप से जितने प्रखंड अध्यक्ष हैं पहले प्रखंड अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाए पूर्व से, क्योंकि प्रखंड अध्यक्ष ही आपका ले और देखिए, जन अधिकार पार्टी आज पूरे बिहार में विपक्ष की भूमिका में है और सभी किसान, मजदूर, नौजवान, छात्र की लड़ाई लड़ रहा है। पूरे प्रदेश में हर जिला में संगठनात्मक बैठक हो रहा है। उसी सिलसिले में आज भोजपुर के अंदर भी संगठन का विस्तार हो, इसके लिए बैठक बुलाया गया है और हम लोग लक्ष्य रखे हैं कि अप्रैल तक जन अधिकार पार्टी पंचायत स्तर पर अपना पूरा संगठन मजबूत करने का काम करेगा। इसके बाद संगठन जब मजबूत हो जाए तो जिस तरह हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पप्पू यादव का जो सोच और संकल्प है कि हमको नौजवानों के रोजगार के लिए लड़ना है, छात्रों को अच्छा शिक्षा मिले उसकी लड़ाई लड़ना है, जो थाना, ब्लॉक, अनुमंडल, जिला में जो भ्रष्टाचार फैला है उसको समाप्त, उसकी लड़ाई लड़ना है। इसलिए सबसे पहले हम लोग संगठन को मजबूती बनाने के लिए हम लोग पूरे आज बैठक हम लोग कर रहे हैं।